आज का जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास नाइन्थ का एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्लास एट्थ में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने, और एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये पाया गया था कि कौन सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर हो सकता है। एक ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, वन हो। ए लीनियर एक्सप्रेशन, एक ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। एक ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, वन हो, ऐसा एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन कहलाता था। चूंकि क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन में कब कन्वर्ट होता है, एनी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन कन्वर्ट इनटू द इक्वेशन। तो जब किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देते हो तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, एलजेब्रिक इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x + 5, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। संजोग से इसमें x का पावर 1 है, इसलिए कैसा एक्सप्रेशन कहलाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। जब इस एक्सप्रेशन को आप जीरो के इक्वल कर दोगे तो ये बन जाएगा 3x + 5 = 0। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एलजेब्रिक इक्वेशन। तो कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन तब कहलाता है जब उसको जीरो के इक्वल उठा के पुट कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चूंकि इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, वन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर यहाँ एक्सप्रेशन में पावर वन है तो ये कौन सा कहलाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या होता है बच्चा, इसका डेफिनेशन होता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0। चूंकि देखो यहां पर लिखा जा रहा है एक इक्वेशन होना चाहिए, और डेफिनेशन किसका लिख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का लिख रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर वन होना चाहिए। तो ये देखो वेरिएबल का पावर यहाँ क्या दिखा दिया गया, वन दिखा दिया गया, और वन वेरिएबल का होना चाहिए तो जो वेरिएबल होगा वो वन ही होगा, इसलिए यहाँ पर केवल एक्स दिखाया गया। ओके, तो यहाँ पर लिखा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0। तो यहाँ ए और बी क्या है, आपने क्लास 6, 7, 8 में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले क्या पढ़ा था, कांस्टेंट एंड वेरिएबल पढ़ा था, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल था जिसकी वैल्यू क्या थी, फिक्स थी, और उसे अल्फाबेट के स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेरिएबल क्या था, वेरिएबल वो सिंबल था जिसकी वैल्यू वेरी करती थी, बार बार क्या करती थी, वेरी करती थी। किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती थी, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या करती थी, उसी क्वेश्चन में बार बार वेरी करती थी, इसलिए इसे वेरिएबल के नाम से जाना गया, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार वेरी कर रही है। अब यहां पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो इसका सिंबल क्या होगा, जो अल्फाबेट का एंडिंग लेटर है, एक्स वाई जेड ये सब एंडिंग लेटर हैं, तो वेरिएबल को अक्सर करके एक्स वाई जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये कांस्टेंट हुआ ये, और ये कांस्टेंट हुआ बी, और एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है
कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे लिखा 3x+5, यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, x 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कम्बिनेशन होता है विद बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, ऐड करना मतलब प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। अगर इन सारे कांस्टेंट और वेरिएबल को उसके थ्रू ऐड कर दिया जाता है, उसके थ्रू कम्बिनेशन बना दिया जाता है, तो जो मुझे सिस्टम मिलता है दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो इक्वल कर देते हैं तो बन जाता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर उसमें वेरिएबल का पावर 1 हो जाता है तो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। चूंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का डेफिनेशन देना है तो वो होगा कैसा, उसका लुक कैसा दिखेगा। तो आप ये देख रहे हो कि एक हमने इक्वेशन यहां लिखा, x का पावर 1 है, x का पावर यहां पर 1 लिखा हुआ है और ये कॉन्स्टेंट है, कुछ इस तरह का वो सिंबल लग रहा है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का। तो उसी चीज को मैं यहां लिखने का प्रयास कर रहा हूं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax+b = 0 वेयर ए बी आर कांस्टेंट, जहां ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, रियल नंबर्स। आपने क्लास 9th में, इसी क्लास में आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था, वो चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो। हिंदी में होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्णांक। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सब का सब जो कम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज ए रियल नंबर। तो यहां पर ए और बी कांस्टेंट है। अच्छा ये बताओ, अगर एक्स का कोफिशियंट जो ए है अगर वो जीरो हो जाए तो क्या ये टर्म यहां पे रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए उसके साथ एक शर्त डालते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि भाई एक्स का कोफिशियंट जीरो नहीं होना चाहिए। बी इज जीरो मे बी पॉसिबल, क्योंकि जीरो भी कांस्टेंट है, बी जीरो हो सकता है, लेकिन एक्स का कोफिशियंट ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो ये हुआ डेफिनेशन। एग्जाम्पल पर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दीजिए 3x = 0, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, वेरिएबल का पावर 1 होगा, 1 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल यूज किया जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हो, 3x + 5 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। आप लिख दोगे 3x - 2/5 = 0, कुछ ऐसा लिख सकते हो। आप लिख सकते हो x + 7 = 0, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होगा, तो यहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर इसको हम लोग देखें तो इसका डेफिनेशन कैसा लिखेंगे, सेम इसी पैटर्न पर, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यहां पर दो वेरिएबल यूज किया जाएगा, एक एक्स और दूसरा क्या यूज किया जाएगा, वाई, ax + by + c = 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, रियल नंबर कहो या तो इन्हों क्या कहो, कांस्टेंट। a, b = 0, देखो यहां x का कोफिशियंट भी जीरो नहीं होना चाहिए और y का भी कोफिशियंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ab = 0, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं कह सकता हूं 3x - 5y = 0, दो वेरिएबल x और y यूज है, दोनों का पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस हुआ। अगर लिख दिया गया 3x + 5y + 7 = 0, ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस हो गया। यहां पे लिख दिया गया 1/3x - 5/2y
इज इक्वल टू जीरो, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस हो गया। इसमें पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 का और जो एक्सरसाइज जो उसका एग्जाम्पल दिया है उस सब का सब इसमें है, सारे क्वेश्चन इसी में है और मैं सारे क्वेश्चन को एट ए टाइम डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर नीचे कुछ इक्वेशंस लिखे गए हैं, इनको किस रूप में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दिखे, मतलब ये कैसा दिखे, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की तरह दिखे, उससे मिलता जुलता उसकी उसका सिमिलर पैटर्न फॉलो करता हो हमले एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशियंट होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी जो वाई का बी की वैल्यू क्या होगी जो वाई का कोफिशियंट होगा, और सी कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म आप जब कंपेयर करोगे तो निकल जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसको इस टर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन लिखा है ये 2x plus 3y is equal to 4.37 लिखा है। अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर हमें जो फॉर्म लाना है ax plus by plus c is equal to 0 लाना है, अर्थात इसका राइट साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका राइट साइड 0 कब होगा, जब इसके राइट साइड को सारे टर्म को लेफ्ट साइड में लाओगे। तो इस टर्म को आप यहाँ पे क्या कर दो, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, 2x plus 3y minus 4.37 इज इक्वल टू जीरो, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो ये a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी मीन्स दिस हो गया इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये इस तरह दिखने लगा। अब यहाँ a की वैल्यू बताओ कितना है, यहाँ पर a की वैल्यू बताओ, यहाँ a की वैल्यू x का कोफिशियंट, x का कोफिशियंट है तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c कितना लिखा जाएगा, माइनस 4.37। ओके, बोलिए नहीं बीच में, ठीक है, बस अपने बोलिए खूब कस के लेकिन आवाज़ ना निकले, ये जब लगा है तब ना बोलिए, उसके बाद जब पढ़ाते तो बोलिए जितना बोलना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू वाई। अब देखो इसका राइट साइड भी क्या है, जीरो नहीं, तो उसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस रूट 3y इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस रूट 3y या लेफ्ट साइड में आएगा माइनस रूट 3y हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम सिस्टम में लाएं तो इसको हम पहले लिख लेते हैं इस तरह से, x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है बच्चा, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो का फॉर्म हो गया। आप इसको और भी क्लियर लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 1 इंटू एक्स, और यहाँ प्लस चाहते हो तो प्लस माइनस रूट 3 इंटू वाई प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ कर लो, तो ए की वैल्यू कितना दिखा यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितना दिखा माइनस रूट 3 और सी की वैल्यू कितना दिखा माइनस 4। इस तरह से अगर इसको देखो तो यहाँ पर क्या है, ये 5x माइनस 3y राइट साइड में लिखा गया है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप लिखोगे तो 5x माइनस 3y को लेफ्ट में लेते आओ, ऐसे फ्लिप कर दो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, मतलब लेफ्ट वाले पूरे टर्म को लेफ्ट, राइट वाले पूरे टर्म को लेफ्ट में लाओ और राइट वाले सारे को लेफ्ट में लाओ और लेफ्ट वाले को सब कहाँ डालो, राइट में डाल दो, तो ये लिखा जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख दिया जाएगा। अब राइट साइड को जीरो बनाना है तो इसको माइनस 4 कर देते हैं इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर और इसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 5x प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका लुक कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब इसका इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो x का कोफिशियंट यहाँ क्या है a और यहाँ क्या है 5, तो a की वैल्यू 5 हो गई, b y का कोफिशियंट है तो b की वैल्यू हो गई माइनस 3 और c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना हो गया माइनस 4, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन है फोर्थ, ये क्या लिख रखा है 2x इज इक्वल टू y। अब इस y को जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर अगर x का कोफिशियंट देखो तो वो 2 है तो a की वैल्यू हो गई, y का कोफिशियंट कितना है
बी वाई का कोफिशियंट यहाँ कितना है बी और यहाँ माइनस वन, और सी की वैल्यू क्या है लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा और नहीं दिख रहा, इसका मतलब उसमें प्लस जीरो ऐड किया गया है, मतलब इसको आप ऐड से कर सकते हो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो सी क्या हो गया जीरो हो गया। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बताओ इसको कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3y, ये जो राइट साइड में लिखा गया है उसको जब लेफ्ट में लाओगे तो ये विद नेगेटिव साइन हो जाएगा और ये क्या है 5 पर बार, तो 5 पर बार हो गया, राइट साइड में क्या बचेगा जीरो। यहाँ बताओ a का कोफिशियंट कितना हुआ 2, b का 3 और c का वैल्यू हो गया -9.35। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को ax प्लस by के फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले यहां आप 5 को क्या कर लो LCM कर लो, तीन टर्म है, तीनों का डिनोमिनेटर क्या लिखा जाएगा 1, तो 1, 5 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM क्या होगा 5 होगा, डिनोमिनेटर 1 है, 1 से 5 को डिवाइड करोगे 5 प्राइम जाएगा और 5 का x में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5x, साइन माइनस है माइनस लिखा, 5 से डिवाइड किया 5 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y ही होगा, माइनस है माइनस लिखा 1 5 जा 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस 5 को जब राइट साइड में लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 5x माइनस y माइनस 50 और इस 5 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, 5 इंटू 0 0। अब यहाँ पर बताओ a की वैल्यू कितनी दिख रही है 5, b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू माइनस 50, कैसे मिला जब इसका कंपेरिजन किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेरिजन करोगे तो x का कोफिशियंट a है, यहाँ x का कोफिशियंट 5, a इज इक्वल टू 5, यहाँ y का कोफिशियंट b है, यहाँ y का कोफिशियंट क्या है माइनस 1 है तो v इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म c है, यहाँ क्या है माइनस 50 है तो c की वैल्यू हो गई माइनस 50। इज इट क्लियर और नॉट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो तो मिटा दिया जाए क्या, या देख लो ये माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो इसमें इस 6 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, ax प्लस by प्लस c का फॉर्म। अब इसमें क्या करोगे a की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो x इज इक्वल टू 3y लिखा है तो ये क्वेश्चन क्या लिखा जा सकता है एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी मिल रही है x का कोफिशियंट कितना है 1, y का कोफिशियंट b, ये कितना है माइनस 3 और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी c इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x माइनस 5y है तो 2x माइनस 5y को जब लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5 है ना, तो इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो होगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखो ax प्लस by और प्लस c मीन्स 0, तो ये हो गया क्या a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया आपको 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या मिला 0। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा है क्या, इसमें y का टर्म दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे लिखोगे 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब इसका कंपेरिजन हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे तो a के जगह पर x के जगह पर यहाँ a है, x के जगह पर 3 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी 0 और c की वैल्यू कितनी आएगी 2y की नहीं आएगी, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो इसको लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है। तो a की वैल्यू यहाँ क्या मिला, a की वैल्यू क्या मिला 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या मिला माइनस 2 मिला। ये इक्वेशन है 5 इज इक्वल टू 2x, तो सबसे पहले क्या करोगे 2x को लेफ्ट में लाओगे तो 2x को लेफ्ट में लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। क्या यहाँ y दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर देंगे प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा 0 जाएगा
तो प्लस जीरो इंटू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। जब इसका कंपेरिजन करोगे तो ए की वैल्यू कितना आ गया माइनस टू, और बी की वैल्यू कितना आ गया जीरो, और सी की वैल्यू कितनी आ गई फाइव। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सलूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप इसको इजीली लिख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें x इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो कैसे लिखोगे x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। राइट को जीरो बनाना है तो राइट वाले जितने भी टर्म उसको लेफ्ट में लाएंगे तो होगा x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिखा जा सकता है, वन इन टू एक्स। y दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। हमें किस में दिखाना है, टू वेरिएबल में दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, जीरो इन टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म दिख गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का फॉर्म दिख गया। तो वही तो कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू वेरिएबल्स। हम टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बोलो। अब अगला क्वेश्चन देखो, वाई इज इक्वल टू टू है तो ये क्या करोगे, वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लिखोगे। अब यहाँ एक्स का कोफिशियंट नहीं है तो जीरो इन टू एक्स प्लस वन इन टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये भी बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दो वेरिएबल के रूप में। ओके फिर है टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री है थर्ड वाला, तो इसको क्या लिखोगे, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, या क्या लिखोगे, टू एक्स प्लस जीरो इन टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ए भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में बन गया। तो ए भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह दिखने लगा। यह है फाइव वाई इज इक्वल टू टू, तो इसको क्या लिखोगे, फाइव वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब फाइव वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लिख दिए तो एक्स का कोफी, एक्स तो है नहीं इसमें, तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, जीरो इन टू एक्स प्लस फाइव इन टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से लिख लिया। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशन इन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह दिखने लगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम से डरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से पढ़ो। कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक नोटबुक लेने जाते हो मार्केट में जिसका कॉस्ट क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, किसी पेन के कॉस्ट से क्या है, डबल है। कहता है राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में क्या लिखना है, एक इक्वेशन लिखना है व्हिच रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, मतलब एबव जो स्टेटमेंट है उसको वो रिप्रेजेंट करे। क्या हुआ, कुछ पूछना है, तो लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो हम सपोज कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ का, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी आर एक्स एंड, और किसकी रिक्वायरमेंट है, नोट की और पेन की, नोट और किसकी रिक्वायरमेंट है, पेन की है। तो ये हो गया लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी आर एक्स एंड ए पेन बी आर वाई। एक नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपीज है और एक पेन का कॉस्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है, देखो तो लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब जितना ये नोटबुक का कॉस्ट है पेन के कॉस्ट से जस्ट डबल। तो पेन का कॉस्ट आपने क्या माना, वाई, वाई का डबल क्या हो जाएगा, टू एक्स। मतलब अगर एक पेन का प्राइस वाई रुपए है तो नोटबुक का प्राइस क्या होगा, टू इन टू वाई होगा, नहीं होगा। तो ये आपका बन गया क्या, एक इक्वेशन। अब इसको हमें कैसे लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स प्लस बी वाई का मतलब क्या होगा, x इसको लेफ्ट साइड में लाओ माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इस स्टेटमेंट का रिजल्ट। ओके देखो नेक्स्ट इज द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। आवाज आवाज ना करो, वेट करो अभी, पाँच बज के दस मिनट पे यहाँ आया करो, पाँच दस पे मैं क्लास छोड़ूंगा, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं,
तो अभी आपने दो तरह का लीनियर इक्वेशन पढ़ा, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले अगर मैं वन वेरिएबल का सोल्यूशन खोजूं, देखो, और दूसरा क्या होगा, टू वेरिएबल। ए जाओ नीचे बैठ के बड़बड़ा कमरे में, जाओ नीचे जाओ, बतिया लो जितना बतियाना हो, यहाँ बोलो ना, डिस्टर्ब करते हो 10 मिनट एकदम डिस्टर्ब कर दोगे। तो बेटा अगर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो हम वन वेरिएबल की बात करेंगे और टू वेरिएबल की बात करेंगे। वन वेरिएबल का अगर कोई एग्जांपल हम ले लें, जैसे 3x + 2 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केस है। अब इसमें सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? सोल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस आर नोन एज सोल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो आप बताओ यहां एक्स की कौन सी वैल्यू रख दिया जाए जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर एक्स की वैल्यू यहां पर -2/3 पुट कर दो, देखो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, -2/3 अगर यहां पुट कर दो तो ये क्या मिलेगा, 3 × -2/3 + 2 = 0। ये 3 से 3 कट गया, -2 + 2 = 0, लेफ्ट साइड में क्या मिला, 0 = 0। तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फायर यार, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू -2/3 इज ए सोल्यूशन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इसी तरह से अगर यहां मैं कर लूं, सपोज कर लेते हैं बहुत सिंपल इक्वेशन लेते हैं, x + y = 10। तो अगर यहां x की वैल्यू में, चूंकि दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमको लेना होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लूं और y की वैल्यू 8 ले लूं और इसको इस इक्वेशंस में रखूं तो क्या पाऊंगा, 2 + 8 = 10 या 10 = 10। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, अर्थात x की वैल्यू 2 रख दूं, y की वैल्यू 8 रख दूं, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे x = 2 and y = 8 आर द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाइंग द गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स आर नोन एज ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर जब हम वन वेरिएबल की बात करेंगे तो वन वेरिएबल में एक्स की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल व्हिच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मतलब केवल एक ही वैल्यू एक्स को मिलेगी जो सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्स की कोई दूसरी वैल्यू मिल ही नहीं सकती जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ओनली वन सोल्यूशन इज पॉसिबल फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के लिए केवल एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। मगर यहां पर देखो, अगर यहां मैं x की वैल्यू 3 रख दूं, y की वैल्यू 7 रख दूं, तो बोलो 3 + 7 = 10 होगा कि नहीं। अगर x की वैल्यू 4 रख दूं और y की वैल्यू क्या रख दूं, 6 रख दूं, तो 4 + 6 = 10 होगा कि नहीं होगा। अगर x की वैल्यू मैं -5 रख दूं और y की वैल्यू 15 रख दूं, तो बोलो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, -5 + 15 + 10 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो। तो देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर?
तो वन वेरिएबल में कितने सोल्यूशन मिले, ओनली वन सोल्यूशन, और टू वेरिएबल में कितने सोल्यूशन मिले, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले, जो पूरे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। टू वेरिएबल्स के सोल्यूशंस को हम ऐसे लिखा करते हैं 2.8 या 3.7, 4.6, -5.15। हम इस तरह से अगर इनके सोल्यूशंस को लिखें ऑर्डर पेयर के रूप में, जहां पहली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को रिप्रेजेंट करेगा। सो दीज आर द सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हिच आर इनफाइनाइट।